वो आप लोग हैं, तो यू ऑल गाइस डिजर्व ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इवेंट, और वी होप कि हम आइंदा भी आपके लिए ऐसी जो इवेंट्स और एक्टिविटीज हैं वो करते रहेंगे। हिस्ट्री के बारे में मेरा ख्याल है आपको ब्रीफ किया गया शाही किले की। मैं लास्ट चीज आपको बता दूं, ये जो राइट साइड पे आप गुंबद देख रहे हैं ये रंजीत सिंह की समाधि है, और इसके नीचे ये जो गोल्डन डोम आप देख रहे हैं ये गुरु अर्जन देव की समाधि है। हम लोग अक्सर हमने सुना होगा कि जनाब हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे पार्टीशन के टाइम पे, तो बेसिकली वो हिंदू मुस्लिम ज्यादा नहीं थे, सिखों ने मुसलमानों पे अटैक किया था और फिर मुसलमानों की उनसे बदले के अंदर जो हुई थी वो फसादात में क्रिएट हुए थे। उसकी वजह ही ये इंसिडेंट बनी थी कि औरंगजेब के दौर में जो गुरु अर्जन देव थे, जो सिखिज्म के थर्ड बिग डिसिपल थे यानी इमाम थे, उनका जो यहाँ से रावी गुजरता था बिल्कुल इस स्पॉट से, तो औरंगजेब ने यहाँ पे उन्हें दरियाभुत करके मरवाया था और उसके बाद यहाँ पे इनकी समाधि बनी थी। तो राइट आफ्टर ऑलमोस्ट टू सेंचुरीज जब सिखों को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मुस्लिम्स जो हैं वो अब वीक पॉइंट पे हैं, तो उन्होंने फिर मुसलमानों को हिट किया, और जो 1947 की हमारी पार्टीशन का टाइम है उसमें इन लोगों को शहीद किया गया। तो ये जो गोल्डन डोम है, ये जो सिखिज्म के थर्ड डिसिपल हैं गुरु नानक जी के बाद, उनका ये समाधि है और उनका नाम गुरु अर्जन देव है। दिस इज वेरी स्पॉट जहाँ पे उन्हें दरियाभूत किया गया था। और जो ओल्ड रावी है जिसमें अभी आप ट्रैक कर रहे हैं वो बिल्कुल इस किले के साथ आके लेफ्ट होके, तो फिर मजीद लेफ्ट जाके उर्दू बाजार से इंटीरियर लाहौर की तरफ जाता था। तो अब हम अपनी कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज करते हैं। स्केड्यूल जैसे कि आपको पता है कल इंशाल्लाह हम सुबह 8 बजे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमने जो पार्टिसिपेशन है वो हम 70+ पे चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग, बहुत से लोग हैं आई नो जो हबरली भी छोड़ के आए हैं और बहुत सी अपनी एक्टिविटीज़ और मसरूफियत थी जिसको छोड़ने के बाद यहाँ पे आए हैं, तो रियली वंस अगेन थैंक यू टू यू। 8 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम अपनी जो फीमेल कैटेगरी है उसमें जो स्टॉक कैटेगरी है उसको हम छोड़ेंगे, उसके बाद हमारा 2 मिनट का गैप आएगा और हम अपनी प्रीपेड कैटेगरी जो है फीमेल की उसको जाने देंगे। फिर इसके बाद हम अपनी जो स्टॉक की कैटेगरी है, स्टॉक डी, स्टॉक सी, स्टॉक बी और स्टॉक ए को भेजेंगे। उसके बाद फिर हमारे कैटेगरी के अंदर तकरीबन 2 मिनट्स का गैप रखेंगे, यानी 4 मिनट्स का गैप आपको हर पार्टिसिपेंट के बीच मिलेगा और हर कैटेगरी के बाद आपको तकरीबन 6 मिनट्स का गैप मिलेगा। और इसके बाद हम हमारी जो है वेटरन कैटेगरी आएगी, सॉरी फीमेल के बाद वेटरन आएगी, फिर स्टॉक आएगी, स्टॉक के बाद हमारी जो ट्रक की क्लासिक कैटेगरी है वो आएगी, और उसके बाद हमारी प्रिपेयर्ड की कैटेगरी ऐसी आएगी जैसे प्रिपेयर्ड डी, प्रिपेयर्ड सी, बी और देन प्रिपेयर्ड ए। कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपसे डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो रेसिंग सूट जो है और सेफ्टी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप सब ने रेसिंग सूट जो है वो मैंडेटरी है और वो पहनना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी इम्पोज होगी। आई नो गर्मियों का सीजन है लेकिन नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सेफ्टी, और हमारी कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द रेस को भी कंक्लूड करें। इसके लिए हम अर्ली स्टार्ट भी करें, और आई होप 30 किलोमीटर का ट्रैक इज नॉट ए बिग डील फॉर यू गाइज टू वेयर द सूट, बिकॉज यू गाइज आर मच इक्विपमेंटेड टू डू मच लॉन्गर रेसेज लाइक चोलिस्तान इज फॉर 500 एंड जो थल है वो भी हमारी 200 किलोमीटर है, तो आप वो भी करते हैं। फायर एक्सटेंशन का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सैंडी पैच है वो ना सिर्फ आप लोगों के लिए मुश्किलात भी क्रिएट करता है बल्कि आज मैं खुद भी काफ़ी देर स्टक रहा हूँ, तो वो इंजन की पावर को आपको काफ़ी ड्रैग करेगा। और आपने अपना जो फायर एक्सटेंशन है उसकी आपने लाजमी हमने चेक भी किया है और दोबारा भी चेक करेंगे। इसके बाद हेलमेट्स हैं वो आपने हमेशा टाई रखने हैं, सीट बेल्ट आपने हमेशा अपनी वॉर्न रखनी है, और एग्जैक्ट जो है 8 बजे हम स्टार्ट करेंगे। हम अब डिले इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि देर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज और उसको एक ही दिन में कंक्लूड करना इज़ ए डिफिकल्ट जॉब फॉर अस टू। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो टाइम कार्ड दिया जाएगा उसकी आपने खास हिफाजत करनी है, और जो आपने क्लोजिंग पे हमारा एक कंट्रोल रूम होगा वहाँ पे अपना टाइम कार्ड जो है वो आपने वापस डिपॉजिट कराना है, और अपना लॉगर उसके साथ लाजमी देना है, बिकॉज ये नैरो ट्रैक्स हैं, इसके अंदर हमारे शॉर्टकट्स हो सकते हैं। हमने जो मास्टर फाइल आपसे शेयर की हुई है लीड नैव की, हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी जो डेविएशन है वो चेक करेंगे और उसके मुताबिक ही आपको पेनल्टी इम्पोज होगी। ट्रैक डेविएशन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने ग्रुप्स पे शेयर किया था, हमारी ट्रैक डेविएशन फॉर लाहौर रावी रैली क्रॉस इज 10 मीटर्स ऑन बोथ साइड्स। आई नो बहुत से ट्रैक में ऐसी जगह जहाँ 10 मीटर्स की भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी 10 मीटर्स क्योंकि बड़े पैच भी हैं हमारे पास और शॉर्टकट्स भी लग सकते हैं, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। आई नो आप सब थक भी गए होंगे और सुबह रेस भी जल्दी करनी है, हम ज़्यादा डिस्कशन को इलॉन्गेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में आते हैं ताकि आप लोगों के जहन में जो सवाल हैं हम उनको एड्रेस करें। क्वेश्चन आंसर सेशन का तरीकाकार ये होगा कि आप सबसे पहले हैंड रेस करेंगे, अपनी कैटेगरी बताएंगे और अपना नाम बताएंगे ताकि आपकी कैटेगरी के अगर किसी और का ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है तो वो भी एड्रेस हो जाए।
फाद आप माइक कैंडी लेके जाइएगा ताकि लाउडली लावारिस हूँ। अभी कोई डी प्रिपेयर में रन कर रहा हूँ ऐसी मस्ती में। बट सर मैं आपके लिए वो लेडीज का एक सवाल उठा रहा था सर कि आपने जो कहा कि लेडीज स्टॉक पहले शुरू करेगी और फिर दो मिनट के गैप के बाद प्रिपेयर शुरू करेगी, ये आपके लिए आजाद बन जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है प्रिपेयर्ड लेडीज को पहले छोड़ दें, उसके बाद स्टॉक को छोड़ें लेडीज को, उसके बाद आप थोड़ा गैप दें स्टॉक लेडीज के बाद, उसके बाद मेन जो लड़कों की कैटेगरीज है वो आप छोड़ें, तो ये काम स्मूथ होगा। बिकॉज इसमें पहली बात तो ओवरटेकिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर कोई गाड़ी किसी के पीछे फंस गई उसने उसको रास्ता नहीं देना, और इतनी मट्टी है कि वो आगे वाली बेचारी पीछे वाली को देख नहीं सकेगी, तो एक पड्डे शुरू हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी आपसे, कार व्हीकल का दूसरी कार व्हीकल के बीच 4 मिनट्स का गैप होगा, और जो 2 मिनट्स का गैप है वो कैटेगरी के बाद होगा, यानी स्टॉक कैटेगरी गई उसके बाद 4 मिनट का गैप प्लस 2 मिनट का गैप, यानी स्टॉक के बाद टोटल 6 मिनट का गैप होगा, और फिर हम प्रिपेयर्ड कैटेगरी को लॉन्च करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नवान भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर बाइकर्स को जो ना कंसिडर किया जाए, हमें बेशक आप सुबह अर्ली मॉर्निंग बुला लें और हमारी कैटेगरीज को आप रन करवा दें। उसकी वजह यह है कि बहुत डीप रट्स हैं और जब गाड़ियां चल जाएंगी तो बाइकर्स के लिए उस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो काइंडली इसको कंसिडर किया जाए तो ठीक है। मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन इशू ये है कि अगर आप बाइक्स को चाह रहे हैं कि हम टाइम लैप्स पे दें और हीट पे ना दें, तो आप लोगों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वेन्यू है इसके बिल्कुल साथ हुजूरी बाग है और यहीं पे हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है, तो वी ऑल हैव टू बी हेयर बाय 6, क्योंकि फिर सीएम प्रोटोकॉल लग जाना और उन्हें किसी को एंटर नहीं होने देना, तो वी ऑल हैव टू कंक्लूड अवर रेस फ्रॉम देयर कम हेयर, और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। तो अगर हम आपको अब अगर हमारी 70 प्लस रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम 2-3-4 बजे तक तो वैसे ही बाउंड हो सकती हैं, तो फिर अगर आप चाह रहे हैं टाइम लैप्स पे करना तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि सुबह 7 बजे आ जाएं, मैं भी आ जाऊंगा, हम पहले आपकी रेस कर लेते हैं, जैसे इंटरनेशनली डकार में भी होता है कि पहले डर्ट बाइक्स जाती हैं फिर क्वाड जाती हैं फिर स्टॉक प्रिपेयर्ड और ट्रक्स जाते हैं, तो हम उसी तरह फिर आपकी कैटेगरी शुरू करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे जो ट्रक क्लासिक्स हैं वो जाएंगे, उसके बाद प्रिपेयर्ड कैटेगरी जाएगी। क्लासिक में कौन सी ट्रक? क्लासिक में वो है जो 2000 cc से अबव है और 1998 से पुराने मॉडल है। गैप ज्यादा करा लेना, गैप सुन ले मेरी बात, सुन ले गैप की बात मैं आपको दोबारा बता दूं, हर कैटेगरी हर कैटेगरी यानी कैटेगरी अगर स्टॉक डी है और उसके बाद हम स्टॉक सी पे आ रहे हैं, तो उसके बीच जो नेचुरल टाइम है वो 4 मिनट बिटवीन ईच पार्टिसिपेंट है, वो लाजमी होगा। फिर हर कैटेगरी के बाद 2 मिनट होंगे, यानी डी के बाद जब सी कैटेगरी जाएगी तो टोटल टाइम जो होगा वो गैप 6 मिनट का होगा। एक इन्फोर्समेंट वाला जो बंदा है रूडा के ताबून से कल खड़ा होगा, आपको नजर भी आएगा, और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो हमने एक्सकेवेटर्स भी पहुंचा दिए हैं और ट्रैक्टर्स भी पहुंचा दिए, क्योंकि आज मैंने खुद उसको पर्सनली विजिट किया है, तो ट्रैक के ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज होगी तो उसको उसी टाइम पे हम एमिकेबली सॉल्व करेंगे। मान रहे हैं कि जो जीप कैटेगरी के बाद डी प्रिपेयर्ड की गाड़ी जैसा भाई कह रहे हैं उसमें गैप थोड़ा आप एनहांस कर लें ताकि उनके जीप कैटेगरी के बाद डी कैटेगरी डी प्रिपेयर्ड नहीं जा रही है, जीप के बाद डी प्रिपेयर्ड जाएगी स्टॉक नहीं जाएगी, डी प्रिपेयर्ड जाएगी, तो ये तो कह रहा हूं कि वो बहुत तेज है रिलेटिवली जीप जो क्लासिक्स के साथ, उनको कम से कम आप 10 मिनट का गैप दें ताकि उनको गाड़ी डिस्टर्ब ना करे। डी वाली की कितनी है इंजन कैपेसिटी? डी वाली 1800 है, पर और आपकी जो ट्रक है वो 2000 cc एंड अबव है, उसमें डीजल अगर कोई 3L वाला हुआ तो वो 2 दिन बाद ही आएगा। सर 6 मिनट का गैप इज इनफ है? नहीं इनफ आपको नहीं अंदाजा ना, इस ट्रैक पे 10 मिनट कम से कम करें आप बिटवीन ईच कैटेगरी। नो अब बिटवीन जीप क्लासिक एंड डी प्रिपेयर्ड सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा, 6 मिनट के बजाय 8 मिनट 10 मिनट कर दें आप ताकि इनको कम से कम 8 मिनट ठीक है, फिर 8 मिनट ठीक है, ओके ठीक है। और जो आपने पहले लेट नाइट की फाइल पहले दिन से शेयर किया वहां से हम मेजर करेंगे। माय क्वेश्चन इज कि इन केस क्योंकि अभी ट्रैक पहले तो जैसे 10 से 15 मीटर का था, अब ट्रैक कई जगह पे 100 मीटर का भी हो चुका है, तो
जो अभी डिवीजन आप मेजर करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 51% ऑफ द कार्स एक जगह से गुजर जाती हैं, तो फिर आप ट्रैक वही कंसीडर करेंगे पहले वाला या जहां से 51% ऑफ द कार्स गई है? ये प्लीज कंफर्म कर दीजिए। जो मास्टर ट्रैक आपको भेजा डेविएशन उसी से कैलकुलेट होगी, वो ट्रैक सेंटर ऑफ द ट्रैक से बनाया गया। सो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के 70% 60% जितनी भी कार्स जा रही हैं वो वाला ट्रैक आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप रिकन्फर्म कर रहे हैं ये चीज ऐसे ही? मुझे बताएं कि जो डुप्लीकेट्स आ रही हैं, जो फॉर एग्जांपल माय मदर इज ड्राइविंग माय कार, ठीक है, उसके बाद मेरी सी स्टॉक कैटेगरी है, तो इफ वी आर नॉट एबल टू कम बिफोर द स्टॉक सी हैज बीन लॉन्च्ड, तो क्या सीन होगा? अच्छा, उसमें वी विल ट्राई टू अकोमोडेट यू गाइस बिकॉज ये रेयर सीन और सिंगल रैलीज रैलीज क्रॉस में ये हम आपको अकोमोडेट करते हैं। उसमें हम ये करेंगे कि यू विल हैव टू गिव अ सैक्रिफाइस कि आपका हम जब ड्रॉज करेंगे ऑलरेडी, तो उसमें हम आपका नंबर ऑलरेडी अपनी कैटेगरी के एंड पर रखेंगे जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड कि आपकी गाड़ी अगर मैक्सिमम लेट इस टाइम पे पहुंचे तो वो अवेलेबल हो, ये ना हो आपका नंबर आ जाए और ग्रिड पे आपका टाइम आ जाए और आपको पेनल्टी लगना शुरू हो जाए। हम आपको अगर डबल कार्स का यूजेज है तो आपको दोनों में से एक को अपने ग्रिड के एंड पे रखेंगे ताकि गाड़ी वापस आए बाय द टाइम, आपका टाइम भी ना आए और आपको पेनल्टी भी ना लगे। तो आने में काफी टाइम लगेगा, तो इनके लिए कोई हल है? वो वही मैंने आपको बताया कि एक को हम कैटेगरी के एंड पे रखेंगे ना ताकि आप आ जाए, और आप में से जो वापस आ रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि काला खताई रोड जो मेन है, नारोवाल लाहौर रोड भी उसे कहते हैं, उसे वापस आए और उसे मोटरवे पे आ जाए, वो आप 15 मिनट में फिनिश पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर आप कच्चे रास्ते से आएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आज मैं खुद आया हूँ 15 मिनट लगे हैं टोटल फिनिश पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट पे आने पे। मैं सीधे चला रहा हूँ, पहले जा सकता हूँ? आपके जो ऐसे लोग हैं जिनकी एक कैटेगरी सेम है उन्हें हम मैक्सिमम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दोनों में से एक को सेक्रीफाइस भी देना होगा लेट कैटेगरी में जाने का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, जो लास्ट सेक्शन है जब हम आखिरी वो दो तीन लूप्स लेते हैं, तो उसमें जब हम रोडा के ऑफिस की तरफ से निकलते हैं और फिर वापस आते हैं तो उसमें मट्टी अपनी ही वापस आती है, तो उसमें मैंने जिस तरह पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि वो दोनों तरफ कोई मार्किंग हमने की है, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग है, लोगों को पता नहीं चल रहा, कई लोग इस तरफ एकदम से निकल आते हैं और वो वापसी का ट्रैक है, तो आखिर में मुझे लगता है कि ये इशू हो सकता है, तो उस सेक्शन को काइंडली ज़रा देख लीजिएगा कि वो जो आखिरी दो लूप हैं वहाँ पे कोई मार्किंग ऐसी हो कि लोगों को पता हो कि जब इधर जाना है तो ये वाली साइड लेनी है, एक्सट्रीम राइट साइड, और जब वापस जाना है तो फिर एक्सट्रीम राइट साइड जी, वो उसको बस कर। मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, मेरा ख्याल है आपका चक्कर सुबह लगा था, अभी हमने पूरे ट्रैक के सेंटर में आयरन पोल्स लगवा दिए, तो वो दोनों लूप ही आपको अलग हो जाएंगे, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों अलग अलग हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका 4 मिनट है, 5 मिनट हो गए, वैसे भी हर कैटेगरी के बीच भी तो 2 मिनट आ रहे हैं तो 6 मिनट टोटल हो जाता है, जो लास्ट लूप जिनकी अभी अकील भाई बात कर रहे थे, जो आपने मास्टर ट्रैक भेजा हुआ है, लीड नैव की फाइल भेजी हुई है, वो आगे से होके आता है जो लास्ट यूटर्न है, और वो आपने वही लूप में जो हम जब हम रैकी कर रहे थे तो ट्रैक जो था वो बीच में से बंद किया हुआ था, वो यू टर्न पहले निकाला हुआ था, तो उसका क्या सीन है काइंडली वो बताओ? जो आप बता रहे हैं फाइनल लूप का कि आप रेत से पहले कर रहे थे, मैप रेत से बना हुआ है और आपने उस पे पक्के से आना है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ बस जो लूप आप बन गया ना फाइनल जो बना हुआ है वो हमने किया, हमने रेत अवॉइड किया है ताकि गाड़ियां वहां पे टॉपल ना हो, तो जो यू टर्न अब बना हुआ है दैट इज फाइनल। चलो ठीक है, थैंक यू। अपनी रूडा की अथॉरिटी से कहूँगा कि काइंडली LSM पे जो मोटरवे की पुलिस है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है, उसे पंजाब पुलिस उसे काइंडली रिक्वेस्ट करेंगे रेस की जो व्हीकल्स हैं हम उनसे सुबह लिस्ट भी शेयर कर लेंगे, ये हमारी ऑफिशियल व्हीकल्स हैं क्योंकि आज हमारे पास लिस्ट भी कंपाइल हो जाएगी, उन्हें हम लिस्ट शेयर कर लेंगे कि इनको काइंडली ना धमकी, ठीक है जी। का बहुत शुक्रिया, आई होप आप सबने ये टूर भी एंजॉय किया होगा और रेस भी एंजॉय करेंगे। फाइनल अनाउंसमेंट यह है कि कल हुजूरी बाग जो बिल्कुल यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है, बादशाही मस्जिद और लाहौर फोर्ट के बीच वाला खूबसूरत एरिया है, वहाँ पे हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होगी और चीफ मिनिस्टर पंजाब उठी और चीफ गेस्ट, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो 6:30 शार्प स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सबने कोशिश करनी है कि 6:30 से पहले यहाँ पे बाई एनी मीन्स पहुंच जाए,
ताकि हमें एंट्रेंस में कोई इशू ना हो। और बाकी आप सबके लिए जो कार्ड्स हैं वो आप सबने मेरे से ले लेने हैं, वो कार्ड्स आपके पास होंगे तो आपको एंटर करने देंगे जी। आपने अपने एंट्री कार्ड इन्विटेशन कार्ड लाजमी ले लेने हैं मुझसे, ठीक है? थैंक यू। चलें लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिनर। आई होप काफी लेट हो गया, आप सब थक भी गए होंगे और भूख भी लगी होगी। आप खाना खाएं, इंशाल्लाह सुबह आप सबसे ग्रेट से मुलाकात।